केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम में बदलाव को मंजूरी दे दी है। अब भविष्य में अगर कोई बैंक दिवालिया होता है तो खाता धारकों को बैंक में जमा 5 लाख रुपए तक की राशि वापस मिल सकेगी। पहले अधिकतम 1 लाख रुपए तक की राशि ही वापस मिल सकती थी। अब खाता धारकों का पैसा वापस करने की समय सीमा भी 3 महीने निर्धारित की गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले का रोहतक में व्यापारियों समेत विभिन्न वर्गों ने स्वागत किया है। छोटे व्यापारियों के, छोटे जमा पूंजी वाले लोगों के हित में है। सरकार ने उनकी आर्थिक सुरक्षा की गारंटी ली है कि किसी भी तरह की अगर उनके साथ बैंक धोखाधड़ी करता है या बैंक बंद हो जाता है तो उनकी जो आर्थिक हित हैं उनकी सुरक्षा का काम केंद्र सरकार करेगी। और ये बहुत बड़ा निर्णय है, हम सब इसकी सराहना करते हैं और प्रधानमंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। आज पर एक लार्जर अगर आप देखें तो आप कह रहे हैं कि भी बैंकों में पैसा ना रखिए, पर जो छोटे डिपॉजिटर्स हैं जिनके अकाउंट में ऑफकोर्स 5, ये भी बहुत बड़ी राहत है कि पहले तो उसमें शायद 1 लाख रुपए की अमाउंट थी ये कि भी, और वो 1 लाख बढ़ा के 5 लाख करिए। तो वी वेलकम दैट गवर्नमेंट डिसीजन, बट एट द सेम टाइम रिक्वेस्ट कि दैट अमाउंट शुड बी इंक्रीज्ड सो दैट पीपल को डिपॉजिट देयर कीप देयर मनी इन द बैंक। अब एक जो नया फैसला ये आया है कि इन केस अगर कोई भी ऐसा फैसला जो है वो बैंक की तरफ से हो पाता है या वो दिवालिया घोषित हो जाता है, और शायद इनका कारण ये भी है कि पूर्व में कुछ ऐसे बैंक रहे हैं जिनको जो है वो दिवालिया घोषित कर दिया गया, तो ऐसी सूरत में कैबिनेट द्वारा जो ये फैसला लिया गया है कि 5 लाख तक का अमाउंट जो है वो एटलीस्ट आदमी का अकाउंट होल्डर का सिक्योर रहेगा, तो उसमें बहुत सारे मध्य श्रेणी के लोग हैं, उसमें लोअर इनकम ग्रुप के भी हैं, मिडिल इनकम ग्रुप के भी हैं, और उन लोगों का कम से कम वो अमाउंट जो सिक्योर रहेगा तो उनका वो अमाउंट किसी भी वजह से ख़राब नहीं हो पाएगा, उनको आर्थिक नुकसान नहीं हो पाएगा। ये बैंक की स्कीम है बिल्कुल उचित और सही समय पर सरकार लाई है और सरकार को हार्दिक दिल से धन्यवाद और बधाई। छोटे वाले उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और वो सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर उनका जो भी सुनवाई है उनकी सेफ रहेंगे और सुरक्षित उनको अपने आगे विकास की ओर जैसे अप...